Good morning, students. Today we will discuss the first chapter of Hornbill, The Portrait of a Lady, written by Khushwant Singh. This chapter has been taken from the autobiography of Khushwant Singh, and as the title of this chapter is The Portrait of a Lady, here Khushwant Singh draws a pen portrait of his grandmother. He beautifully unfolds their relationship and how it undergoes several changes. In other words, we can say the story is a loving tribute from a grandson to his grandmother. The story also gives a picture of human relationships. It is a realistic account of how the grandparents give all their time, attention, and love to their grandchildren. So with this, we'll start this. The Portrait of a Lady, written by Khushwant Singh. There are some expressions in the text. We'll first discuss them. The very first is, the thought was almost revolting. The thought was almost revolting. That means what? It was a disgusting. It was disgusting to think so. इसका मतलब है कि ऐसा सोचना ठीक नहीं था. Disgusting था, घृणास्पद था. नेक्स्ट है एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सीरेनिटी. एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सीरेनिटी दैट मीन्स वाइड स्प्रेड क्लियर एंड काम वाइटनेस. एक्सपेंस विस्तार प्योर शुद्ध वाइट सफेद सीरेनिटी हेयर कामनेस. सो The complete phrase gives the meaning widespread, clear, and calm whiteness. The next is a turning point. It refers to a time when an important change takes place. It refers to a time when an important change takes place. Accepted her seclusion with resignation. The next, accepted स्वीकार करना here, seclusion here, loneliness, with resignation means with submission. She accepted, or you can say she calmly submitted to her loneliness. उसने जो उसको loneliness दी गई उसको स्वीकार कर लिया शांति के साथ. A veritable bedlam of chirpings. A veritable bedlam of chirpings. Veritable here, true, and here it means natural. Bedlam here, chaos, and chirping means here, chehchahana. So it means real confusing noise. Real confusing noise caused by chirping. एक कंफ्यूजिंग नॉइज क्रिएट कर देना चहचहाकर. नेक्स्ट इज फ्रीवोलस रिब्यूक्स. फ्रीवोलस रिब्यूक्स मीन्स लाइट रिब्यूक्स और माइल्ड रिब्यूक्स. हल्की फुल्की डांट. द सैगिंग स्किन्स ऑफ द डिलैपिडेटेड ड्रम. और लास्ट एक्सप्रेशन है यहाँ पे द सैगिंग. सैगिंग मीन्स हेयर लूज स्किन्स ऑफ द डिलैपिडेटेड ड्रम. Dilapidated drum means an old and worn out drum. एक पुराना और घिसा हुआ ड्रम बजाने का, a playing instrument. So let us talk about the chapter. My grandmother, like everybody's grandmother. The lesson starts with the sentence, My grandmother,
Like everybody's grandmother was an old woman. मेरी ग्रैंड मदर, लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर, जैसे हर किसी की दादी अम्मा होती है उसकी तरह, वॉज एन ओल्ड वूमेन, शी वॉज एन एज लेडी, एक बूढ़ी औरत थी, शी हैड बिन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर 20 ईयर्स दैट आई हैड नोन हर, और जैसा मैंने उसे जाना था, शी हैड बिन ओल्ड, वह बूढ़ी थी, एंड रिंकल्ड फॉर द 20 ईयर्स, एंड शी हैड ए फेस विद रिंकल्स, एंड इट हैड बीन शो फॉर 20 ईयर्स, 20 ईयर्स से मैं उसको ऐसे ही देखते आ रहा था, फॉर लास्ट 20 ईयर्स शी वॉज ओल्ड एंड रिंकल्ड, नैरेटर ऐसा कह रहा है कि 20 वर्ष से उसने उसे देखा था कि वो बूढ़ी थी और उसका फेस पर झुर्रियाँ थी, रिंकल्ड. पीपल सेड दैट शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रेटी, पीपल सेड दैट, पीपल सेड दैट शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रेटी, लोग कहते थे कि एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, और वंस जो ग्रैंड मदर थी वो यंग थी, वो युवा भी थी, एंड प्रेटी और सुंदर भी थी, ब्यूटीफुल अट्रैक्टिव, एंड शी हैड इवन ए हस्बैंड, और उसका एक पति भी होता था, बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव, लेकिन नैरेटर के लिए इस पर विश्वास करना मुश्किल है, दैट हिज ग्रैंड मदर हैड बीन यंग एंड प्रेटी एंड हैड इवन हैड ए हस्बैंड. माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबाउ द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम, माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट, मेरे दादाजी का पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट मीन्स हेयर पिक्चर, मेरे दादाजी की पिक्चर तस्वीर हंग लटकी हुई थी अबाउ द मेंटल पीस, एक ऑर्नामेंटल सेल्फ जो बनी होती है ड्राइंग रूम में, एक ऑर्नामेंटल सेल्फ बनी हुई है फायरप्लेस के ऊपर, अंगीठी के ऊपर, उसके ऊपर उसकी दादाजी की तस्वीर लगी हुई थी, ही वोर ए बिग टर्बन, उस पिक्चर में दादाजी ने एक बड़ी टर्बन पगड़ी पहन रखी थी, एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स, वो ढीले कपड़े पहन रखे थे, हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 ईयर्स ओल्ड, हिज लॉन्ग उसकी लंबी वाइट बियर्ड सफ़ेद जो दाढ़ी थी, कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, उसकी चेस्ट का बेस्ट पार्ट मीन्स मोस्ट ऑफ द पार्ट कवर किए हुए थी उसकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी, एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 ईयर्स ओल्ड, और उस पिक्चर में दादाजी सीम टू बी ए मैन ऑफ 100 ईयर्स, ए मैन ऑफ 100 ईयर, वो उसमें 100 वर्ष के दिखाई पड़ रहे थे, ही डिड नॉट लुक द शॉर्ट ऑफ पर्सन हु वुड हैव ए वाइफ और चिल्ड्रन, उस पिक्चर में वो ऐसे बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ रहे थे दैट ही हैड ए वाइफ एंड चिल्ड्रन, उसके कोई पत्नी हो या फिर बच्चे हो, ही लुक्ड एज इफ ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन, ऐसा दिखाई पड़ रहे थे कि उसके केवल बहुत से और बहुत से पोते पोतियां हो सकते हैं, एज फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड पेटी द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, जहाँ तक मेरी ग्रैंड मदर के यंग और पेटी होने की बात है, द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, टू थिंक सो वॉज डिसगस्टिंग, ऐसा सोचना मुझे डिसगस्टिंग लग रहा था, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि ऐसा भी हो सकता है, सी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स सी यूज टू प्ले एज ए चाइल्ड, प्राय दादी ये जिक्र किया करती थी हमसे, बताया करती थी हमें उन खेलों के बारे में जिनको वो खेला करती थी जब वो छोटी थी,
That seemed quite absurd and undignified on her part, and we treated it like the fables of the prophets used to tell us. ये बिल्कुल ही एब्जर्ड, बिल्कुल ही मूर्ख लगता था हमें, एंड अनडिग्निफाइड, और अच्छा नहीं लगता था, यह कोई सम्मान्य चीज़ नहीं लगती थी ऑन हर पार्ट, दादी की तरफ से, कि वो खेल खेलती थी. एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रोफेट्स, और हम इनको क्या करते थे, उन काल्पनिक कहानियों की तरह लेते थे, ऑफ द प्रोफेट्स जो फोर टेलर्स होते हैं, जो भविष्य के बारे में बताने वाले होते हैं, जो कहानियाँ बताते हैं, उनकी कहानियों की तरह लेते थे, बिल्कुल काल्पनिक, एंड सी यूज टू टेल अस, जिनको वो हमें बताया करती थी, प्रॉफिट की कहानियों को, प्रॉफिट्स की कहानियों को दादी जी हमें बताया करती थी, और हमें उसके जो गेम वाली बातें थी ये भी वैसी ही लगती थी, दैट दे आर जस्ट इमेजिनरी. सी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बैंड. शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट, वह कद में छोटी थी हमेशा से ही, फैट मोटी थी, एंड स्लाइटली बेंट, और थोड़ी बेंट झुकी हुई थी. हर फेस वॉज ए क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर. उसका जो चेहरा था वॉज ए क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स, मीन्स इट वॉज फुल ऑफ रिंकल्स विच वर कमिंग फ्रॉम एवरी साइड एंड मूविंग टू एवरी साइड. उसका जो चेहरा था वो झुर्रियों से भरा हुआ था शुरू से ही. नो वी वर सर्टेन सी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड. नो वी वर सर्टेन, हमें पूरा विश्वास था क्या, दैट शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर. शी हैड ऑलवेज बीन, वह हमेशा से ही ऐसी थी जैसा कि हमने उसे जाना था. वट ओल्ड, सो टेरिबली ओल्ड दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर. वह बूढ़ी थी, टेरिबली ओल्ड, एक्सट्रीमली ओल्ड, इतनी बूढ़ी दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर. वह इससे और ज्यादा बूढ़ी नहीं हो सकती थी. एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स, और इसी 20 वर्ष से इसी अवस्था में वो बनी हुई थी. फॉर लास्ट 20 ईयर्स सी हैड बीन द सेम. सी कुड नेवर हैव बीन पेटी. तो विचार ये है कि वो कभी सुंदर नहीं रही होगी. शी कुड नेवर हैव बीन प्रेटी, वह कभी सुंदर नहीं रही होगी. बट सी वॉज ऑलवेज ब्यूटिफुल, प्रेटी हेयर अट्रैक्टिव, एंड बट सी वॉज ऑलवेज ब्यूटिफुल, लेकिन वो हमेशा सुंदर थी. लेकिन वो सुंदर थी, जो प्रेटी है वो यहाँ पे यूज किया गया है, जो यंग एज में सुंदरता होती है उसके लिए, और ब्यूटीफुल है वो अट्रैक्शन के लिए यूज किया गया है. लेकिन वो हमेशा से अट्रैक्टिव थी, ब्यूटीफुल थी. किस मैनर में, शी होबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट टू बैलेंस हर स्टूप एंड द अदर टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी. सी हॉबर्ट, शी वॉक्ड अबाउट द हाउस इन ए लिम्पिंग मैनर इन स्पॉटलेस वाइट. वह एक जो सफेद साड़ी जो पहनती थी, इन स्पॉटलेस, उस पर कोई दाग धब्बा नहीं होता था, बिल्कुल सफेद स्वच्छ साड़ी पहनकर वो घर में इधर उधर घूमती रहती थी, कैसे, इन ए लिम्पिंग मैनर, लंगड़ाते हुए, विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, एक हाथ वो अपने कमर पे रख के चलती थी, टू बैलेंस हर स्टूप, ताकि उसका जो स्टूप, स्टूप मीन्स एयर है, उसका झुकना, जो झुकाव था, दैट हमने वर्ड यूज किया है इसके लिए, बेंट, अपने बेंट को बैलेंस करने के लिए. एंड द अदर टेलिंग द बीड्स ऑफ अ रोजरी, और दूसरे हाथ से टेलिंग द बीड्स ऑफ अ रोजरी, मीन्स काउंटिंग द बीड्स ऑफ अ रोजरी. रोजरी मीन्स हेयर, माला, जो मनकों की माला थी, उसको दूसरे हाथ से
गिनते हुए फेरते हुए। हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटाइडली ओवर हर पेल पकर्ड फेस एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर। उसके जो सिल्वर लॉक्स थे, मतलब उसके जो बाल थे, लॉक्स मतलब होता है जो ग्रुप होता है, मीन्स बालों का एक ग्रुप होता है, उनको लॉक्स बोलते हैं। हर सिल्वर लॉक्स, उसके चांदी जैसे जो बाल थे, वो स्केटर्ड, वो बिखरे रहते थे अनटाइटली, बिना सुलझे हुए, ओवर हर पेल पकर्ड फेस, उसके पीले, पेल मीन्स एयर, पेलनेस लिए हुए चेहरे पर, पकर्ड मीन्स रिंकल्ड फेस पर, एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर, और उसके जो होठ थे वो सदा चलते रहते थे, इन इनऑडिबल प्रेयर, एक प्रार्थना करती रहती थी अपने होठों से जो सुनाई नहीं पड़ती थी दूसरों को। यस सी वॉज ब्यूटिफुल, हाँ वो सुंदर थी, ब्यूटीफुल तो थी। सी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, कैसी थी वो? सी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप, वह एक सर्द ऋतु की लैंडस्केप, शीतलाकृति की तरह होती है। ये जो पार्ट होता है लैंड का, जिसको हम एक बार में देख सकते हैं, उसको बोलते हैं लैंडस्केप, ए पार्ट ऑफ लैंड दैट कैन बी सीन इन वन गो बाय आवर आइज इन द माउंटेन्स, पर्वतों में जो विंटर के समय जो भूमि दिखाई पड़ती है बिल्कुल उसकी तरह। कैसी होती है? माउंटेन, और वो भी विंटर में, तो जो लैंड है दैट इज कवर्ड विद स्नो, वो बर्फ से ढकी रहती है। तो दादी हमेशा कैसी दिखाई देती थी? एन एक्सपेंस ऑफ प्योर व्हाइट सेरेनिटी, ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट, वो एक विस्तार दिखाई देती थी, शुद्ध सफेद सेरेनिटी, कामनेस का, ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट, जो शांति और संतोष की सांस ले रही होती थी, मतलब हमेशा संतुष्ट और हमेशा शांत दिखाई देती थी। इस वे में सी वॉज ब्यूटिफुल, माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, मेरी दादी जी और मैं बहुत अच्छे मित्र थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर वेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी एंड वी वर कंस्टेंटली टुगेदर। मेरी ग्रैंड मदर और मैं अच्छे मित्र थे, मेरे पेरेंट्स मुझे छोड़कर चले गए थे उनके पास में जब वो सिटी में रहने के लिए गए थे, एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, और तब से लेकर हम साथ साथ थे। ही यूज टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, वो क्या करती थी? हर सुबह मुझे जगाती थी एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, स्कूल के लिए तैयार करती थी। सी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन ए मोनोटोनस सिंग सॉन्ग वाइल सी बेथ एंड ड्रेस्ड मी इन द होप दैट आई वुड लिसन एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट। वे अपनी मॉर्निंग प्रेयर इन ए मोनोटोनस, एक लय से, बिना लय को ऊपर नीचे किए हुए, एक लय से वो गाती थी अपनी मॉर्निंग प्रेयर को। वाइल सी बेथ एंड ड्रेस्ड मी इन द होप, जब वो मुझे स्नान कराती थी और मुझे कपड़े पहनाती थी, ड्रेस करती थी मुझे, इस उम्मीद के साथ दैट आई वुड लिसन, कि मैं इसको सुनूंगा, एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट, और मुझे ये कंठस्थ याद हो जाएगी। आई लिसन, मैं सुनता था इसको, बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस, क्योंकि मुझे मेरी ग्रैंड मदर की आवाज़ अच्छी लगती थी। बट नेवर बोदर्ड टू लर्न इट, लेकिन कभी परेशानी नहीं उठाई, अपने आप को परेशान नहीं किया कि मैं इसको याद करूं। देन शी वुड फैच माई वुडन स्लेट, इसके बाद वो जाती और मेरे लिए जो लकड़ी की स्लेट होती, विच सी हैड ऑलरेडी वॉश्ड, जिसको वो पहले ही धो चुकी होती, एंड प्लास्टर्ड, और उसके ऊपर येल्लो चौक का, मिस मुल्तानी मिट्टी चढ़ा चुकी होती, ए टीनी अर्दनिंग पॉट, और एक छोटी मिट्टी की बनी हुई इंक पॉट, दवात, शाही की दवात लेकर आती, एंड ए रेड पेन, एक लाल पेन लेकर आती, टाई देम
ऑल इन ए बंडल, उनको एक सभी को एक बंडल में बांध देती एंड हैंड इट टू मी, और वो मुझे थमा देती। आफ्टर ए ब्रेकफास्ट ऑफ ए थिक स्टेल चपाती विद अ लिटिल बटर एंड शुगर स्पैड ऑन इट। आफ्टर ए ब्रेकफास्ट ऑफ ए थिक स्टेल चपाती, एक मोटी और बासी चपाती जिसके ऊपर थोड़ा बटर और थोड़ी शुगर लगी होती, उसका ब्रेकफास्ट लेकर, मतलब उसको एज ए ब्रेकफास्ट में खाकर हम स्कूल चले जाते। वी वेंट टू स्कूल। शी कैरिड सेवरल स्टेल चपातीज विद हर फॉर द विलेज डॉग्स। वह अपने साथ गांव के जो डॉग्स थे, विलेज डॉग्स, उनके लिए काफी बासी चपातियां लेकर जाती थी। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी। मेरी दादी जी हमेशा मेरे साथ स्कूल जाती थी। बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल, क्योंकि जो स्कूल था मेरा वो एक टेम्पल से अटैच था, टेम्पल के मंदिर के साथ लगा हुआ था, सटा हुआ था। द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर। पुजारी, द प्रीस्ट एट द टेम्पल टॉट अस द अल्फाबेट। पुजारी ही हमें वर्णमाला सिखाया करता था एंड द मॉर्निंग प्रेयर, और सुबह की प्रेयर प्रार्थना भी सिखाया करता था। वाइल द चिल्ड्रन सेट इन द रोज ऑन ईदर साइड ऑफ द वेरांदा सिंगिंग द अल्फाबेट और द प्रेयर इन ए कोरस, माई ग्रैंड मदर सेट इन साइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स। वाइल, जिस दौरान बच्चे बैठे रहते थे रोज में पंक्तियों में, बरामदे की दोनों तरफ पंक्तियों में बैठे रहते थे, सिंगिंग द अल्फाबेट, वर्णमाला को गाते रहते थे, और द प्रेयर इन ए कोरस, या फिर प्रार्थना को, इन ए कोरस मीन्स टुगेदर, साथ साथ गाते रहते थे, माई ग्रैंड मदर सेट इन साइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स। उस दौरान मेरी दादी जी मंदिर में अंदर बैठकर स्क्रिप्चर्स मीन्स होली, जो सेक्रेट बुक्स हैं, उनको, ग्रंथों को, पवित्र ग्रंथों को पढ़ती रहती थी। व्हेन वी हैड बोथ फिनिश्ड, जब हम दोनों अपना काम समाप्त कर लेते, माई लर्निंग एंड ग्रैंड मदर रीडिंग द सेक्रेट बुक्स स्क्रिप्चर्स, वी वुड वॉक बैक टुगेदर, हम दोनों साथ साथ वापस आ जाते। दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर। इस समय गांव के जो डॉग्स होते, विलेज डॉग्स, गांव के जो कुत्ते थे, वो हमें मंदिर के दरवाजे पर ही मिलते थे। दे फॉलोड अस टू आवर होम, ग्राउलिंग एंड फाइटिंग विथ ईच अदर फॉर द चपातीज वी थ्रू टू देम। वे हमारे पीछे पीछे हमारे घर तक आ जाते थे, ग्राउलिंग, गुर्राते हुए, गुस्से से गुर्राते हुए, एंड फाइटिंग, और लड़ते हुए एक दूसरे के साथ, फॉर द चपातीज वी थ्रू टू देम, जिन चपातियों को हम उनको फेंकते थे, उनके लिए एक दूसरे से वो गुर्राते हुए और लड़ते हुए हमारे पीछे पीछे घर तक आ जाते थे। नेक्स्ट पैरा, व्हेन माय पेरेंट्स वर कंफर्टेबली सेटल्ड इन द सिटी, जब मेरे पेरेंट्स वेल सेटल्ड हो गए थे सिटी में जाकर, दे सेंट फॉर अस, तो उन्होंने हमारे लिए बुलावा भेजा। सेंट फॉर मीन्स दे कॉल्ड अस, उन्होंने हमें बुला लिया। दैट वॉज ए टर्निंग पॉइंट इन अवर फ्रेंडशिप, ये एक समय था, दैट ब्रॉट ए चेंज इन अवर फ्रेंडशिप, जो हमारी फ्रेंडशिप में एक बदलाव लेकर आया। ऑल दो वी शेयर द सेम रूम, यद्यपि हम एक ही रूम में रहते थे, माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी, लेकिन अब मेरी दादी जी मेरे साथ साथ स्कूल नहीं आती थी, मीन्स मेरे साथ स्कूल तक नहीं आती थी। आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन ए मोटर बस, अब मैं एक अंग्रेजी स्कूल में जाने लग गया था एक बस के द्वारा। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स एंड शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्ट यार्ड ऑफ अवर सिटी हाउस। अब वहां पर गलियों में कुत्ते नहीं थे, और इसलिए क्या किया, माई ग्रैंड मदर बिगेन ए हैबिट ऑफ फीडिंग स्पैरोज, मेरी दादी अम्मा ने अपनी आदत थी वो बना ली थी
अब चिड़ियों को दाना डालने की, चिड़ियों को खिलाने की, फीड करने की। इन द कोर्टयार्ड ऑफ अवर सिटी हाउस, हमारे शहर के मकान के आंगन में अब वो चिड़ियों को फीड कराया करती थी। सी टुक इट एज हर हैबिट। एज द ईयर्स रोल्ड बाई वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर। जैसे जैसे वर्ष बीतते गए, हमारा एक दूसरे को मिलना था वो कम होता चला गया। फॉर सम टाइम सी कंटिन्यूड टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। कुछ समय के लिए मेरी दादी जी ने मुझे जगाना जारी रखा और मुझे स्कूल के लिए तैयार करना जारी रखा। व्हेन आई केम बैक शी वुड आस्क मी व्हाट द टीचर हैड टॉट। जब मैं वापस आता था स्कूल से तो वो मुझसे पूछा करती थी व्हाट द टीचर हैड टॉट मी, कि आज अध्यापक ने तुम्हें क्या पढ़ाया। आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग। तो मैं उसको कहता था कुछ इंग्लिश के साथ पढ़ाए हैं, लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस, कुछ छोटी चीज़ें, छोटी मोटी चीज़ें वेस्टर्न साइंस की पढ़ाई हैं, एंड लर्निंग और सीखने की, द लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, द वर्ल्ड बींग राउंड एटसेट्रा एटसेट्रा। ग्रेविटी का लॉ सिखाया है, गुरुत्वाकर्षण का नियम, आर्किमिडीज के सिद्धांत सिखाए हैं और बताया है कि ये संसार गोल है, इत्यादि इत्यादि। दिस मेड हर अनहैप्पी। ये चीज़ सुनकर माई ग्रैंड मदर बिकेम सैड, मेरी दादी जी दुखी हो जाती थी। सी कुड नॉट हेल्प विद माई लेसन। अब वो मेरे लेसन्स में मेरी मदद नहीं कर सकती थी। सी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल एंड वॉज डिस्ट्रेस दैट देर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड। वह उन चीज़ों में विश्वास नहीं करती थी जो चीज़ें इंग्लिश स्कूल में सिखाई जाती थी हमको, एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड और दुखी हो जाती थी इस बात के लिए दैट देर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स, कि भगवान के बारे में और धार्मिक ग्रंथों के बारे में कोई टीचिंग नहीं होती है स्कूल में, कुछ नहीं सिखाए जाते इन्हें भगवान के बारे में और धार्मिक ग्रंथों के बारे में। वन डे आई अनाउंस दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स। एक दिन मैंने आकर कहा कि हमें म्यूजिक लेसन दिए गए, म्यूजिक का लेसन दिया गया। सी वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड। इस चीज को लेकर वो बेचैन हो गई। टू हर म्यूजिक हैड ल्यूड एसोसिएशन। उसके लिए जो म्यूजिक है ल्यूड, वो नॉट चेस्ट, वो कुछ अपवित्र, अपवित्र संबंध रखता है, उसमें कुछ अपवित्रता होती है। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हारलोट्स एंड बैगर्स। इस पर तो केवल हारलोट्स एंड बैगर्स, जो वेश्याएं होती हैं, हारलोट्स प्रोस्टिट्यूट्स एंड बैगर्स और भिखारियों का ही अधिकार है इस म्यूजिक के ऊपर, एंड नॉट मीन फॉर जेंटल फोक। और जो प्रतिष्ठित जन है, जो अच्छे लोग हैं, यह उनके मतलब का नहीं होता है, यह उनके लिए नहीं बना है। शी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मीन डिसअप्रूवल। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी जो खामोशी थी वो बता रही थी कि वह इस चीज से सहमत नहीं थी। सी डिड नॉट अप्रूव द ऑथर लर्निंग लेसन्स इन म्यूजिक। सी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर दैट। उसके बाद उसने शायद ही कभी नैरेटर से बात की। व्हेन आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी, जब मैं यूनिवर्सिटी गया, आई वॉज गिवन ए रूम ऑफ माई ओन, तो मुझे अपना एक अलग कमरा दे दिया गया एट माई होम, घर पे। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड। जो कॉमन लिंक था हमारी फ्रेंडशिप का, कि वी शेयर सेम रूम, सिंगल रूम, हम एक ही रूम में रहते थे, वो फ्रेंडशिप का कॉमन लिंक भी टूट गया। स्नैप मीन्स हेयर ब्रोकन। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विद रेजिग्नेशन। मेरी दादी जी ने अपनी जो सेक्लूजन, सेक्लूजन मीन्स हेयर लोनलीनेस, सी एक्सेप्टेड हर लोनलीनेस विद रेजिग्नेशन, विदाउट प्रोटेस्ट
विद सबमिशन। वो स्वीकार कर ली थी अपना एकांतवास, चुपचाप स्वीकार कर लिया था समर्पण के साथ। शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन। अब वह अपने चरखे को किसी से बात करने के लिए नहीं छोड़ती थी, शायद ही कभी छोड़ती है। वो अपना चरखा चलाती रहती थी। शी केप्ट स्पिनिंग। शी वॉज ऑलवेज बिजी विद हर स्पिनिंग व्हील। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट सी सैट बाय हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स। सुबह से सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक, मीन्स फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, वे अपने चरखे के पास बैठ जाती थी और कांपती रहती थी एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स और प्रार्थनाएं गाती रहती थी, भजन गाती रहती थी। ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्स्ड फॉर ए वाइल टू फीड द स्पैरोज। केवल दोपहर के समय वे अपनी चिड़ियों को दाना डालने के लिए थोड़े समय के लिए आराम करती थी। वाइल सी सेट इन द वेरांदा ब्रेकिंग द ब्रेड इन टू द लिटिल बिट्स, हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स क्लक्टेड राउंड हर क्रिएटिंग ए वेरिटेबल बेडलम ऑफ चिरपिंग्स। वाइल सी सेट इन द वरांदा, जब वो बरामदे में बैठ जाती थी, ब्रेकिंग द ब्रेड इन टू द लिटिल बिट्स, रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करते हुए, तो सैकड़ों की संख्या में जो पक्षी थे वो उसके चारों ओर इकट्ठे हो जाते थे, क्रिएटिंग ए वेरिटेबल बेडलम ऑफ चिरपिंग्स। तो वो चहचहा कर वहाँ पर एक बहुत शोर शराबा कंफ्यूजिंग नॉइज क्रिएट कर देते थे। सम केम एंड पर्स्ट ऑन हर लेग्स, कुछ आती और उसकी टांगों के ऊपर बैठ जाती थी। अदर्स ऑन हर शोल्डर्स, पर्च मीन्स वेयर, पर्च बैठना यहाँ पर। अदर्स ऑन हर शोल्डर्स, दूसरी उसके कंधों पर आकर बैठ जाती थी दूसरी चिड़ियाएं। सम इवन सेट ऑन हर हेड, कुछ उसके सिर पर भी आकर बैठ जाती थी। सी स्माइल्ड बट नेवर शूट देम अवे, वह मुस्कुराती थी लेकिन कभी उनको, नेवर शूट देम अवे, ड्रो देम अवे, कभी उनको भगाती नहीं थी। इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर, यह उसका दिन का सबसे सुखद आधा घंटा हुआ करता था। वेन आई डिसाइडेड टू गो अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडीज आई वॉज श्योर माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट। जब मैंने डिसाइड किया कि मैं विदेश जाऊंगा अपनी आगे की पढ़ाई के लिए, आई वॉज श्योर माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट। मुझे पूरा विश्वास था कि मेरी दादी जी जो थी वो इस बात को लेकर अपसेट हो जाएगी, बेचैन हो जाएगी, रेस्टलेस हो जाएगी। आई वुड बी अवे फॉर 5 ईयर्स एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल। मैं दूर चला जाऊंगा 5 वर्ष के लिए और उसकी एज वन कुड नेवर टेल, जिस एज में वो थी उसमें कोई बता नहीं सकता हाउ मैनी ईयर्स शी वुड लिव, बट माई ग्रैंड मदर कुड। लेकिन मेरी दादी जी को मालूम था दैट शी वुड लिव दैट मैनी ईयर्स। सी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, सी वॉज नॉट एट ऑल इमोशनल, वह बिल्कुल भी इमोशनल नहीं हुई। सी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन। वह मुझे छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन पर आई लेकिन कोई बात नहीं की और ना ही कोई इमोशन दिखाया, कोई भावना दिखाई, कोई फीलिंग्स दिखाई कि ऐसे सी वॉज इमोशनल। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, उसके होठ जो प्रार्थना में चल रहे थे, हिल रहे थे। हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, वह अपनी प्रार्थना में खोई हुई थी। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी, उसकी उंगलियां बिजी थी, व्यस्त थी, उससे वो अपनी जो मन की जो माला थी उसके मनकों को गिन रही थी, मनकों को फेर रही थी, यदि सही हिंदी में इसको बोला जाए तो। साइलेंटली शी किस्ड माई फोरहेड, साइलेंटली चुपचाप उसने मेरे माथे को चूमा। एंड वेन आई लेफ्ट आई चेरिश द मोस्ट इम्प्रिंट एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टेक्ट बिटवीन अस। और जब मैं चलने लगा तो मैंने इसको चेरिस्ट रख लिया, संजो के रखना, कैप्ट इट
एज ए ट्रेजर द मोस्ट इम्प्रिंट इस गीले इम्प्रिंट स्पर्स को एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टेक्ट बिटवीन अस, जैसे कि ये अंतिम अंतिम चिन्ह हो, अंतिम संकेत हो हमारे बीच फिजिकल कॉन्टेक्ट का, फिजिकल कॉन्टेक्ट का। बट दैट वॉज नॉट श्योर, लेकिन ऐसा नहीं था। आफ्टर 5 ईयर्स आई केम बैक होम, 5 वर्ष बाद में वापस आ गया घर पे, एंड वॉज मेट बाय हर एट द स्टेशन। दादी अम्मा मुझे स्टेशन पर लेने आई, शी डिड नॉट लुक ए डे ओल्डर, वह एक दिन और ज़्यादा बूढ़ी नहीं लग रही थी। शी लुक द सेम वे एज आई लेफ्ट 5 ईयर्स अगो, शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, अब भी उसके पास समय नहीं था शब्दों के लिए, मीन्स बातचीत के लिए। एंड वाइल सी क्लैप्स मी इन हर आर्म्स आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स, जब उसने मुझे मीन्स अपनी बाहों में लिया, मुझे एम्ब्रेस किया, तो मैं सुन सकता था कि वह अपनी प्रार्थना रिसाइट कर रही थी, गा रही थी। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल हर हैप्पीस्ट मोमेंट वर विद हर स्पैरोज हुम सी फेड लॉन्गर एंड विद फ्रीवोलस रिव्यूक्स, मेरे आने के बाद भी जो उसके सबसे सुखद क्षण थे वो अपनी चिड़ियों के साथ थे, जो चिड़ियां थी उनके साथ थे, जिनको वो अब पहले से ज्यादा समय तक खिलाने लग गई थी। एंड विद फ्रीवोलस रिव्यूक्स कॉल्ड माइल्ड रिव्यूक्स, हल्की फुल्की डांट भी मारती थी उनको। इन द इवनिंग ए चेंज केम ओवर हर, शाम के समय दादी जी में एक बदलाव आया। शी डिड नॉट प्रे, प्रार्थना नहीं की उसने, उस शाम को उसने प्रार्थना नहीं की। सी ए क्लक्टेड द वीमेन ऑफ द नेबरहुड, वीमेन ऑफ द नेबरहुड गोट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग, शी कलेक्टेड द विमेन ऑफ द नेबरहुड, उसने अपनी पड़ोस की विमेन को इलेक्ट इकट्ठा किया, औरतों को, गॉट एन ओल्ड ड्रम एक पुराना ड्रम लिया, बाजा लिया, एंड स्टार्टेड टू सिंग, और गाना शुरू कर दिया। फॉर सेवरल आवर्स शी थम्प द सैगिंग स्किन्स ऑफ द डिलापिटेटेड ड्रम एंड सैंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स। फॉर सेवरल आवर्स, घंटों तक वह जो जीर्ण शीर्ण टूटा फूटा जो ड्रम था उसकी ढीली जो खाल थी उसको बजाती रही, पीटती रही, एंड सैंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, और योद्धाओं के घर आने के गीत गाती रही। वी हैड टू परसुएड हर टू स्टॉप टू अवॉइड आवर स्टैंडिंग, हम परिवार वालों को दादी जी को मनाना पड़ा, परसुएड कन्विंस करना पड़ा कि वो रोक दें इसे बजाने को और गाने को, ताकि उसके दिमाग पर ओवर स्ट्रेनिंग न हो, दबाव न पड़े ज़्यादा, अधिक ज़्यादा स्ट्रेनिंग न हो। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट शी डिड नॉट प्रे, और ये पहली बार था जब से मुझे मालूम था कि दादी जी ने प्रार्थना छोड़ी थी, उस दिन प्रार्थना नहीं की थी। द नेक्स्ट मॉर्निंग सी वॉज टेकन इल, और अगली सुबह सी फेल इल, वह बीमार पड़ गई। इट वॉज ए माइल्ड फीवर एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो, ये एक माइल्ड फीवर था, हल्का बुखार था, और डॉक्टर ने कहा यह बुखार ठीक हो जाएगा, शी वुड रिकवर फ्रॉम इट। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, मेरी दादी जी ऐसा नहीं सोचती थी। सी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर, उसका सोचना ये था, उसने हमें बताया कि उसका अंतिम समय निकट आ चुका था। ही सेड दैट सिंस ओनली फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ शी हैड ऑमिटेड टू प्रे, शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, उसने बताया, कहा, उसने कहा कि क्योंकि केवल कुछ घंटे पहले उसके अंतिम चैप्टर के, उसके जीवन के अंतिम चैप्टर के बंद होने से कुछ घंटे पहले ही उसने प्रार्थना करनी बंद करनी पड़ी थी, इसलिए अब वो और समय हमसे बातें करने में खराब या जाया नहीं करने जा रही है। वी प्रोटेस्टेड, हमने इस चीज़ का विरोध किया, हमने दादी जी की इस चीज़ का विरोध किया, बट सी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट
लेकिन उनने हमारी प्रोटेस्ट को बर्ड्स इग्नोर और प्रोटेस्ट लेकिन उसने हमारी प्रोटेस्ट को इग्नोर कर दिया। सी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीड्स। सी ले पीसफुली, वह शांति के साथ बिस्तर में लेट गई, प्रेइंग प्रार्थना करते हुए, एंड टेलिंग हर बीड्स और अपने माला के मनकों को फेरते हुए। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, जिससे पहले कि हम डाउट कर पाते, हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स। उसके जो होंठ थे वो हिलने बंद हो गए थे और माला जो थी वो उसके निर्जीव उंगलियों से नीचे गिर गई थी। ए पीसफुल पैलो स्प्रेड ऑन हर फेस एंड वी न्यू दैट शी वाज डेड। एक शांति भरा जो पीलापन था वो उसके चेहरे पर छा गया था। एंड वी न्यू दैट शी वाज डेड, और हमें मालूम पड़ गया था कि अब वो नहीं रही थी। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड एंड एज इज कस्टमरी लेड हर ऑन द ग्राउंड एंड कवर्ड हर विद रेड श्राउड। हमने उसको बिस्तर से उठाया और जैसा कि रिवाज है उसको जमीन पर लेटा दिया। एंड कवर्ड हर, और उसे ढक दिया विद रेड श्राउड, एक लाल कफन से। श्राउड मीन से यार एक क्लॉथ यूज टू कवर द डेड बॉडी। आफ्टर ए फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फ्यूनरल। कुछ घंटे की मॉर्निंग, MORNING, मॉर्निंग, मॉर्निंग मीन्स हेयर, लेमेंटेशन विलाप करना, दुख एक्सप्रेस शोरो और एट द डेथ ऑफ समबडी। हमने थोड़ी देर उसके ऊपर दुख व्यक्त करने के बाद हम उसे छोड़कर, अकेले छोड़कर चले गए टू मेक अरेंजमेंट्स, व्यवस्था करने के लिए फॉर हर फ्यूनरल, उसके फ्यूनरल की व्यवस्था करने के लिए। फ्यूनरल मीन्स अंतिम संस्कार की व्यवस्था करने के लिए। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विद ए क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू बी क्रेमेटेड। शाम के समय हम उसके कमरे में गए विद ए क्रूड स्ट्रेचर, एक अर्थी लेकर। क्रूड स्ट्रेचर मीन्स एक अर्थी लेकर जो ठीक तरह से बनाई नहीं होती, इसलिए टेम्परेरी स्ट्रेचर बोलते हैं इसको। टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड, ताकि उसको क्रीमेट किया जा सके, अंतिम संस्कार उसका किया जा सके, दफनाया जा सके। मीन्स यहाँ पे हमारे पास क्रीमेटेड का मतलब होना चाहिए दाह संस्कार किया जा सके। द सन वॉज सेटिंग एंड हैड लिट हर रूम। सूर्यास्त हो रहा था एंड हैड लिट हर रूम, और सूर्यास्त ने उसके कमरे को और बरामदे को एक विद ए ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट की चमक से प्रकाशमान कर रखा था। मीन्स ग्लो था वहाँ पे, ब्लेज मीन्स ग्लो ऑफ गोल्डन लाइट। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्ट यार्ड, हम घर के आंगन के बीच रास्ते में ही रुक गए, घर के आंगन के बीच में ही रुक गए। ऑल ओवर द वेरांडा एंड इन हर रूम राइट अप टू वेयर शी ले डेड एंड स्टिफ रैप्ड इन द रेड शाउड थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज सैट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर। पूरे बरामदे में और उसके रूम में जहाँ पर उसकी जो लाश थी वो रखी हुई थी, अब भी स्टिफ रैप्ड इन द रेड शाउड, लाल कफन में लिपटी हुई थी। वहां तक हजारों की संख्या में जो चिड़िया थी वो फर्श पर बैठी हुई थी फैलकर। देर वॉज नो चिरपिंग, कोई भी चहचहाने की आवाज नहीं थी। वी फेल्ट शोरी फॉर द बर्ड्स, हमें पक्षियों के लिए दुख महसूस हुआ, उन पर दया आई। एंड माई मदर फेच सम ब्रेड फॉर देम, और मेरी मम्मी जाकर उनके लिए रोटी लेकर आई। सी ब्रोक इट इन टू लिटिल क्रम्स, मम्मी ने उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया रोटी को। द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, जिस तरह से मेरी दादी किया करती थी।
एंड थ्रू इट टू देम, और इनको फेंक दिया, डाल दिया चिड़िया को। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द बैट, उन चिड़िया ने रोटी के टुकड़ों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। व्हेन वी कैरिड माई ग्रैंड मदर्स कॉप्स ऑफ, जब हम लेकर गए अपनी दादी अम्मा के डेड बॉडी को, शव को, कॉप्स मीन्स हेयर डेड बॉडी, जब उसे उठाकर लेकर गए, दे फ्लू अवे क्वाइटली, तो चिड़िया जो थी वो चुपचाप उड़ गई वहां से। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन, अगली सुबह स्वीपर आया और उसने उनको स्वीप करके, मीन्स बुहार करके, एक डस्टबिन में, कूड़ेदान में डाल दिया रोटी के टुकड़ों को। दैट्स द एंड ऑफ दिस चैप्टर, और आपको इस चैप्टर को थरली रीड करना है, और इसके जो क्वेश्चन आंसर है, इसके जो क्वेश्चन है अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट पोर्शन के, इनको अपने आप ही लिख कर देखना है। यू हैव टू प्रैक्टिस आंसरिंग दीज क्वेश्चन। सो बाय बाय, टेक केयर।